सीधे मुद्दे की बात शैलेन पाराशर के साथ सिर्फ आयन 7 न्यूज पर। नमस्कार, आयन 7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैलेन पाराशर, अब शुरुआत करेंगे अब तक की खास खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर, नमस्कार, आयन 7 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बुंदेलखंड के टीकमगढ़ क्षेत्र में है, अहम जिला है, बड़ा विकास की यहाँ बात होती है कि विकास हुआ है, क्या कुछ विकास हुआ है। बीजेपी की नेत्री हमारे साथ कामनी गोस्वामी जी हैं, आपसे यानी जनपद अध्यक्ष भी हैं, आपके भाई प्रत्याशी है बीजेपी से, क्या कुछ विकास और क्या कुछ मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, हमारा मेन मुद्दा तो है विकास, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं टीकमगढ़ नगर पालिका में रहकर भैया ने और प्रेजेंट में हमारी भाभी हैं, उन्होंने कितना विकास किया है कि अगर आप भोपाल से यहाँ आए होंगे तो आपके पेट का पानी भी नहीं हिला होगा। आप चाहे पार्क देख लें या रोड देख लें, मतलब किसी भी एंगल से देख लें, आपको विकास दिखेगा। उसके बाद अब हमारा मेन मुद्दा है रोज़गार, कि जो जनपद क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है और जो लोकल नगर पालिका क्षेत्र है, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार स्थापित करें, गांव की महिलाओं के लिए रोज़गार स्थापित करें। महिलाओं के साथ गांव में बड़ी समस्या ये की भी आती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है, तो उनके लिए चूँकि अस्पताल में हमने देखा है वहाँ ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो स्वास्थ्य की ओर भी आपका कदम होगा? स्वास्थ्य की ओर भी हमारी पहल होगी, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत वहाँ पे भी जो भी लापरवाही है, उनको जैसे ही विधायक बनेंगे भैया, अगर वो ये चुनाव जीत गए, तो हम अस्पताल और जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनका भी निराकरण करेंगे। राकेश जी कहते हैं कि हम विधायक नहीं है, पूरी जनता ही विधायक का मान लो परिवार है, तो क्या बात है? देखिए, राकेश जी का तो मेन नारा ही है जय जनता की, तो मतलब ऐसे में मतलब चुनाव के पहले ही जीता समझते हैं? क्यों, ऐसा नहीं है कि चुनाव के, बट ये जनता का प्रोत्साहन है, जनता का मतलब जो हमें रिस्पांस मिल रहा है उससे हमें लगता है कि भी हम चुनाव जीतेंगे, और इस बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, चूँकि आप जनपद अध्यक्ष हैं और यहाँ क्या कुछ विकास है बीजेपी से हट के, अगर यहाँ की स्थानीय महिलाएं यहाँ के लोग आएंगे उनसे हम जाने कि विकास का यहाँ कुछ क्या नजर आता है? हम तो बोल देंगे लेकिन आप बोलेंगे तो और भी अच्छा है। आपने जैसे स्वास्थ्य की बात की महिलाओं की, तो 15 अगस्त 2018 को माननीय नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान सेवा जो लागू की है, वो हर 10 करोड़ नागरिकों को, मतलब 10 करोड़ जो अपने क्षेत्रवासियों, उन्हें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में देगी। यहाँ पर जनपद सदस्य मौजूद हैं सरदार सिंह यादव, हम आपसे हम जाने कि आपके क्षेत्र में विकास कितना कुछ हुआ है, क्या कुछ सुविधा है? पाराशर जी, पहले तो देख लें, आप खुद आए हैं, विकास आपको दिखा होगा। हमारे जो ग्राम है ये, यहाँ भी जनप्रतिनिधि से हुआ और भी हुआ। अच्छा, पलायन की जो यहाँ मुद्दा आते हैं, पलायन तो नहीं देखने में आता है? नहीं, पलायन नहीं है यहाँ, तो रोजगार अब इसके बाद और चालू होने वाली, अभी जैसे पहले रोड और पुलिस पे था, अब इसके बाद केवल रोजगार और स्वास्थ्य इस पे और शिक्षा, केवल एक ही मिशन है बीजेपी, और जो द्वारा चौथी बार सरकार बनेगी यहाँ 200 बार। साफ तौर पे उम्मीदें दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा आगामी चुनाव परिणाम में जनता का दिल बीजेपी प्रत्याशी जीतते हैं या अन्य दावेदार जीतते हैं, तो जनता ही बताएगी परिणाम क्या कुछ होता है। मुलाकात होती है अगली विधानसभा में आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।